पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? ये कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस किसे बोलते हैं? जो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर से वो सारे डिवाइसेस जो अटैच होके काम करती हैं, वो कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इथरनेट कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर्स, ये सारे जॉयस्टिक, ऐसे जैसे जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जुड़ के काम करने वाली जो भी डिवाइसेस हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ना कि कंप्यूटर की इंटरनल पार्ट। ठीक है, कंप्यूटर्स के एक्सटर्नल पार्ट्स जो उसके साथ कंप्यूटर के जुड़ के काम करते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर स्पीकर, एक्सटर्नल सीडी, हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो हैं वो भी कंप्यूटर के पेरिफेरल में आती हैं, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, नेट मॉडम एंड मॉनिटर, जॉयस्टिक। ये कंप्यूटर के साथ, बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि कंप्यूटर के साथ जो अटैच होके वर्क करती हैं, जो कंप्यूटर, जैसे कि हम कागज़ पर कुछ तहरीर करने के लिए कलम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए हम जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे कीबोर्ड कहा जाता है। अब आप मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड देख रहे हैं। हर किस्म के कीबोर्ड पर तमाम बुनियादी कीज़ मौजूद होती हैं। हो सकता है कि कुछ कीज़ की लोकेशन आपके कीबोर्ड पर मुख्तलिफ हो। ये वो कीबोर्ड है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसे कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बोर्ड है जिस पर कीज़ या बटन लगे हुए हैं। इनमें से कुछ कीज़ का साइज बाकियों से मुख्तलिफ होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड एक आम से टाइपराइटर जैसा होता है जिसमें कुछ इजाफी कीज शामिल होती हैं। कीबोर्ड पर लगी हुई हर की एक मुनफरिद किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देती है। Ready to learn about your mouse? Yikes! Not that kind of mouse. This kind of mouse. A computer mouse. The computer mouse is a computer input device that controls a cursor on the computer screen. By moving the mouse along a flat surface, you can move your cursor too. And you press the buttons on the mouse to select something on the screen. This is called clicking. Your mouse probably looks something like this, but computer mice come in many different shapes and sizes. On a standard mouse, there are two buttons and a scroll wheel. Using your left button is called a left click, and you do this to select items with a single click. Or you can double click on an icon to start a program on the computer. Using the right button is called a right click. Right clicking an item or icon will open a pop-up menu with useful options. If you right click by accident, don't worry. Simply click again with your left button on the screen away from the pop-up menu. Use the scroll wheel to see text and items lower down on a page and not yet visible on the screen. Here are First of all, the document that you want to scan is placed on the glass plate inside the scanner. This is placed face down. The inside cover of the lid is white. This is because this reflects more light. The scan head, which is known as a light sensory array, is passed over the document. The arrow points to this in use on the flatbed scanner.